चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टेट वाइज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूं और आप सबको पता है कि मेरी कट ऑफ बिल्कुल ही एक्यूरेट रहती है। तो आज इस वीडियो में हम स्टेट कोटा की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसमें हम हर एक स्टेट यानी टोटल स्टेट कवर करेंगे, हर एक स्टेट के बारे में कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में जानेंगे। ऑल इंडिया की कट ऑफ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उसमें ऑल इंडिया कट ऑफ का वीडियो देख सकते हैं आप। इसमें हम जो स्टेट कोटा की 85% की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसमें कुछ स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया से ज्यादा होती है तो कुछ स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया से कम होती है। तो मैं आपको इसमें सारी कट ऑफ, सारे स्टेट्स की कट ऑफ वन बाय वन यहां पर आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले, कट ऑफ बताने से पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप 23 में काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए, जानकारी के लिए मैंने बुक पब्लिश कर दी है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के लिए, स्टेट के लिए, आयुष और वेटनरी के लिए अलग अलग बुकें हैं जिससे आपको काउंसलिंग के बारे में जानकारी होगी। इस बुक में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कॉलेज वाइज कट ऑफ दे रखी है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखी है, राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है, प्रीवियस 4 साल की कट ऑफ इसमें दे रखी है। तो इसमें जो कट ऑफ रहनी है वो पिछले साल की तरह ही इस बार कट ऑफ रहनी है। तो पिछले साल कौन सी कैटेगरी में कौन सी कॉलेज की क्या कट ऑफ रही थी, आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं इस बुक से। इसमें मेन बात यह है कि इसमें चॉइस लिस्ट दे रखी है 23 के लिए, आपने कौन सी कॉलेज पहले फिल करनी है, कौन सी कॉलेज बाद में फिल करें, इस बुक की सहायता से आप चॉइस फिल कर सकते हैं। फीस, सीट मैट्रिक्स, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बॉन्ड वगैरह की बारे में जानकारी, ये सब ऑल इंडिया कोटा में दे रखा है। दूसरी स्टेट कोटा की बुक भी अवेलेबल है जिसमें सभी स्टेट्स की ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप हमारे जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, जो मोबाइल नंबर आप परचेज करते समय देंगे, तो उस पर हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। इसमें आगे स्टेट में ओपन स्टेट के बारे में भी समझाया गया है, उसकी कट ऑफ फीस वगैरह के बारे में भी समझाया गया है। तो मैं सोचता हूँ ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने ये बुक डाउनलोड की उनको काफी फायदा हुआ है। इससे आपको काउंसलिंग के लिए इस बुक से काफी जानकारी मिले। अब बात करते हैं स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो सबसे पहले राजस्थान स्टेट की बात कर लेते हैं। राजस्थान स्टेट सेकेंड नंबर होता है जिसमें कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहती है ऑल इंडिया से। तो राजस्थान स्टेट में अगर देखें हम तो यूआर कैटेगरी की 610 कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 605, ओबीसी की 607, एमबीसी की 590, एससी की 505, एसटी की 450 और एसटीए की 300 कट ऑफ रह सकती है 23 के लिए, 85% स्टेट कोटा के लिए ये कट ऑफ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में काफी सारे कॉलेजेस हैं लेकिन स्टूडेंट भी काफी ज्यादा होते हैं यहाँ से, क्योंकि सेकेंड नंबर उत्तर प्रदेश का ही होता है स्टूडेंट्स में। तो यूआर कैटेगरी की 600, ईडब्ल्यूएस 598, ओबीसी 600, एससी 440 और एसटी 200 कट ऑफ रह सकती है यूपी स्टेट की। बिहार की बात करें तो बिहार की फर्स्ट और सेकंड राउंड तक काफी कट ऑफ जाती है, लेकिन मोपअप में जाकर के ये कट ऑफ थोड़ी कम हो जाती है। तो यूआर 600, ईडब्ल्यूएस 598, बीसी कैटेगरी 599, ईबीसी 597, आरसीजी 599, एससी 460 और एससी 430 कट ऑफ रह सकती है बिहार स्टेट की। हरियाणा स्टेट भी कम नहीं है कट ऑफ के मामले में, इसकी भी काफी ज्यादा कट ऑफ जाती है। यूआर 600, ईडब्ल्यूएस 595, बीसीबी 590, बीसीए 585, एससी 460, एससीडी 440 कट ऑफ रह सकती है हरियाणा स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट जहां बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि महाराष्ट्र ही इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिसके नीट में 2 लाख से ऊपर कैंडिडेट अकेले स्टेट के होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट होते हैं लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज काफी होती हैं, इसलिए कट ऑफ यहाँ थोड़ी सी और स्टेट की बजाय डाउन जाती है। यूआर की बात करें 562, ईडब्ल्यूएस 560, ओबीसी 557, इसके अलावा यहाँ अदर कैटेगरीज और भी होती हैं, जैसे एनटीबी होता है 490, एनटीसी 550, एनटीडी
VGA 515, MK 560, Defence 490, Defence 2505, SC कैटेगरी 460, ST कैटेगरी 310 कट ऑफ रह सकती है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। इसके बाद बात करें दिल्ली, जो नंबर वन पर रहता है कट ऑफ में हमेशा ही। आईपी की कट ऑफ डाउन जाती है दिल्ली स्टेट में, यूआर की 645 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 635 रह सकती है, ओबीसी की 615, SC 500, ST 375, ACMS की कट ऑफ जो आर्मी कोटा के वार्ड से उनके लिए 590 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है 23 के लिए दिल्ली स्टेट की कट ऑफ। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश स्टेट की, तो मध्य प्रदेश स्टेट यूआर की 555, ईडब्ल्यूएस की 545, ओबीसी की 550, एससी की 420 और एसटी की 310 कट ऑफ रह सकती है एमपी स्टेट में। ओडिशा की बात करें तो यूआर 585, ईडब्ल्यूएस 582, एससी 455 और एसटी 315 कट ऑफ रह सकती है। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है। पंजाब स्टेट की बात करें यूआर 565, ईडब्ल्यूएस 560, BC 555, SC 395 कट ऑफ रह सकती है पंजाब स्टेट। वेस्ट बंगाल, ये भी इसमें भी काफी सारे कॉलेजेज हैं, स्टूडेंट भी काफी होते हैं, कट ऑफ डाउन जाती है ऑल इंडिया से। इसके बाद में हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो UR 575, EWS 555, OBC A कैटेगरी 574, OBC B कैटेगरी 570, SC कैटेगरी 455 और ST 215 कट ऑफ रह सकती है। गुजरात स्टेट में काफी सारे कॉलेजेस हैं, यहाँ GMERS के कॉलेज भी हैं और लोकल कोटा के कॉलेज भी हैं, म्यूनिसिपल कॉलेज भी हैं यहाँ पर। तो अब बात करें हम यहाँ की, सिर्फ गवर्नमेंट कोटा की बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो यूआर कैटेगरी की 590, ईडब्ल्यूएस 588, एससी कैटेगरी एसई 570, एससी 500, एसटी 305। ध्यान रहे ये सिर्फ गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ है, GMERS की कट ऑफ नहीं है। उन कॉलेजेज में गवर्नमेंट सीट अलग होती है, मैनेजमेंट सीट अलग होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट की कट ऑफ है इसमें गुजरात स्टेट। छत्तीसगढ़ की बात करें जहाँ कट ऑफ काफी डाउन रहती है, 515 यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 450, ओबीसी 510, एससी 400, एसटी 315 कट ऑफ रह सकती है छत्तीसगढ़ स्टेट में। इसके बाद बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में यूआर 580, ओबीसी 555, ईडब्ल्यूएस 540, एससी कैटेगरी 365 और एसटी 375 कट ऑफ रह सकती है उत्तराखंड स्टेट के लिए। अब बात करते हैं हिमाचल की, हिमाचल में यूआर 510, ईडब्ल्यूएस 465, बीए यानी बैकवर्ड एरिया 480, ओबीसी कैटेगरी 510, एससी 475, एसटी 450 कट ऑफ रह सकती है यहाँ हिमाचल की। झारखंड की बात करें तो झारखंड की कट ऑफ भी काफी ज्यादा रहती है, अभी ये पिछले एक दो साल से ही यहाँ झारखंड में काफी कॉलेजेस हुए हैं, लेकिन पहले तो तीन कॉलेज ही हुआ करते थे, अभी ये थोड़े से बड़े हैं कॉलेजों की संख्या झारखंड में। तो यूआर 590, ईडब्ल्यूएस 575, बीसी 1587, बीसी 2589, एससी 420, एसटी 275 कट ऑफ रह सकती है झारखंड स्टेट के लिए 23 में। आसाम की बात करें तो आसाम की कट ऑफ भी मीडियम रहती है, यूआर 550, ईडब्ल्यूएस 535, ओबीसी एमओसी 425, एससी 450, एसटीएच 275 और एसटीपी 365 कट ऑफ रह सकती है आसाम स्टेट के लिए। त्रिपुरा की बात करें तो यूआर 555, ईडब्ल्यूएस 495, एससी 425, एसटी 340 कट ऑफ रह सकती है इसमें। अब बात करते हैं हम अदर स्टेट की, यहाँ मैंने कुछ यूआर कैटेगरी की ही कट ऑफ ली है। जेएनके की मेल कैटेगरी 590 रह सकती है, फीमेल की 535, क्योंकि मेल और फीमेल में जेएनके में काफी कट ऑफ में इफेक्ट पड़ता है, काफी डिफरेंस रहता है इसमें। कर्नाटका स्टेट में काफी सारी कैटेगरियां होती हैं, मैंने यहाँ जनरल मेरिट कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी 510 कट ऑफ लिया है गवर्नमेंट सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी गवर्नमेंट सीटें हैं, फीस कम है, प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे हैं, तो 510 लास्ट जिसके मार्क्स है गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, उसको फीस भी कम रहती है इसकी। केरला स्टेट की बात करें तो केरला स्टेट तो सेकंड नंबर पर आता है कट ऑफ के मामले में, फर्स्ट पे दिल्ली रहता है, सेकंड पे केरला आता है, थर्ड पे राजस्थान आता है। तो अगर केरला की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी की 620 कट ऑफ रह सकती है। तमिलनाडु ओपन कैटेगरी की कट ऑफ 585 रह सकती है। तेलंगाना, यहाँ तेलंगाना और आंध्रा में इसमें ओयू कोटा भी होता है, एयू, एसवीयू और एनएल कोटा होता है इसमें ओपन कैटेगरी में, तो मैंने ओपन कैटेगरी के लिए ही ये सारे कोटा लिया है, तो ओयू 470
तेलंगाना में रह सकता है, AU-530, SVU-430 और NL-325। ऐसे ही आंध्रा में OU OC कैटेगरी में 493, AU OC कैटेगरी में 565, SVU-555 और NL-575 OC कैटेगरी में ये कट ऑफ रह सकती है आंध्रा स्टेट की। पौंडुचेरी 485 कट ऑफ रह सकती है। बाकी स्टेट्स भी मैंने बुक में सभी कैटेगरी दे रखी हैं और बाकी स्टेट की कट ऑफ भी दे रखी है, तो आप बुक डाउनलोड करके देख सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो ये कट ऑफ थी स्टेट कोटा की कट ऑफ। स्टेट कोटा की जो कट ऑफ मैंने अभी ये प्रेडिक्ट की है, उसमें प्लस माइनस 5 मार्क्स जा सकते हैं, यानी कि 5 मार्क्स कम भी हो सकते हैं और 5 मार्क्स ज्यादा भी हो सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट की हर साल कट ऑफ में काफी अंतर होता है। जैसे पिछली बार ऑल इंडिया की कट ऑफ सेम सी गई थी 21 और 22 में, लेकिन स्टेट की कट ऑफ में थोड़ा फर्क पड़ा था। और स्टेट की कट ऑफ में हर बार ही फर्क पड़ता है, क्योंकि किसी स्टेट में मेडिकल कॉलेज ओपन होते हैं और किसी स्टेट में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो ये फैक्टर्स काफी काम करते हैं स्टेट कोटा की कट ऑफ के लिए। तो ये जानकारी थी स्टेट कोटा 85% की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ में ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगा, हमें भी दूसरे वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा एक पावर मिलता है इस बात से कि बच्चे काफी लाइक कर रहे हैं। मैंने ये काफी सालों से अभी देखता आ रहा हूं मैं कि बच्चे वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और लाइक नहीं करने से हम कहीं डिमोटिवेट जरूर होते हैं। इस प्रकार की वीडियोज कट ऑफ का एनालिसिस करने के लिए काफी समय लगता है, इसमें 2 या 3 दिन लगातार लगे रहते हैं हम ये ऐसी कट ऑफ बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, और पहले भी आपको मिली है, जो पुराने व्यूवर्स हैं इस बात को जानते हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके लिए फिर से लेकर के आएंगे। तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।